कहन तो लुधियाने स्मार्ट सिटी कहा जाता पर अच्छा तस्वीर फावे स्मार्ट सिटी दियाँ जिते सड़क का जोड़ा बहुत बुरा हाल है। ग्राहक आ जाता इतने गाहक इतने आता ही नहीं महाराज मिट्टी करके गाहक ही नहीं आता कोई ब्रेक लाता ठार थले कोई लेडी देख पाए ठार थले इतने रोड है बंदा ऊंट से जाता तो गड्डी से जाता एक बराबर ही है असं गड्डिया कारा वेच के ऊंट हाँ लै लीए घोड़े घोड़े लै लीए सानू इन्हां चीज़ों की लोड़ नहीं है गड्डिया की रिपेयर बहुत होंगी है। परेशानी इदा है कि सवेरे आके दुकान पर बैठे शामी घर जा के बच्चे पछाणते नहीं सानू की बने असं मिट्टी इन्नी इधर दुकाना से आती है जी। खड़े इस गिल रोड भी पहले तुम सड़क का तस्वीर विखा दी है कि गिल रोड का मेन रोड है जिते सड़क का इन्ना बुरा हाल है जो तो बारिश तक पै जाते कई जेडे यातायात जे कई बाइक वाले इतने फस जाते लोग जोड़े ने गिल रोड जो दुकानदार ने गलबात कर सर सड़क की गल करा सर कह लुधियाना स्मार्ट सिटी है सड़क बहुत वधिया लुधियाने दी वीर जी देखो छे महीने तो वह भी नहीं बीतते है सड़क से साढ़े स्कूटर चलाना मुश्किल है बैठना दुकानदारों को मुश्किल है क्योंकि सारी मिट्टी उड़ के दुकाना के अंदर आती है सानू पता सी इतना लोग इस तरह बैठ के जो टाइम पास करते हैं बाकी तुसी खुद समझदार हो देख लो भी की पोजिशन यदि चल रही है इन सड़कों की असं कई बार मिले हैं पर साड़ी कोई सुनवाई नहीं आई। सिमरजीत सिंह बैंस मैं कह साहब किसी जिन्हों मर्जी कह लिए कोई हो सारे है लेकिन कोई काम नहीं होएगा तुसी देखो एक्सीडेंट किन्ने होंगे पानी बरसात दुकानों के अंदर आएगा सुधार करे सानू दुकान दा रिलीफ होवे सानू बीमारियां लगदियां खांसी लगती है बैठने असि लोग इत्थे अंदर मिट्टी मिट्टी होंदी है साडा कपड़े दा काम बिलकुल बेड़ा गर्क हो जाता दुकानदार हो तुसी पहले तो मैं सवाल ये करो कि ग्राहक आ जाता इत्थे गाहक इत्थे आंदा ही नहीं महाराज मिट्टी करके गाहक ही नहीं आंदा कोई ब्रेक लाता ठार थले कोई लेडी देख पाए ठार थले कई बार इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं मिट्टी देखो की हाल है इतने असं कोई कित भी जाने कोई सुनाई नहीं इतने कोई गलबात नहीं है असं कई बार दुकानदार इस टाइम बुरा हाल है। सड़क की गल करा स्मार्ट सिटी है लुधियाना सड़क का बहुत बुरा हाल है किन्नी कर परेशानी का सामना करना परेशानी इदा है कि सवेरे आके दुकान पर बैठे शामी घर जा के बच्चे पछाणते नहीं सानू की बने असं मिट्टी इन्नी इधर दुकाना से आती है तो साढ़े बजुर्ग दुकाना से बहते थे जो बरकत होंगे उन्होंने असं आना ही मना करता टू व्हीलर से आते हैं कार चला नहीं सकते जो आते हैं इतने हफ्ते दो बार डिगे जाते हैं उन्होंने आना ही बंद करता भी तुम घर ही बैठो इतने सड़क ही इस लायक है नहीं कि कोई आए तो गाहकों तो असं की आस रखा जो असं आप ही आने तो गुरेज करते हैं जो पैसे कमा आने इतने जिम्मेदार किसान मंगते लुधियाना प्रशासन या जो विधायक ने या सरकार देखो ये सारे सारे की जिम्मेवारी बनती है इन्होंने सारे की बाकी अपनी जिम्मेवारी बनती है वोट सोच समझ के पाइए तो उन्होंने सारे जिम्मेवारी बनती जिन्होंने सीटों पर बिठाया पब्लिक ने उन्होंने घट्टो घट्ट आन जाने वास्ते तो रस्ता सही देन ना इतने तो बहुत ओह जहा हाल है कि जो दो दाने मीह पै जाते दुकाना बंद करके चल जाइए घर उस बाद गाहक की की आस होनी है आप भी घर जाने लाले पै जाते कि जो वोटा सीजन चल रहा है जो उम्मीदवार वोट मंगन आते थे को सवाल किया जाता असं सवाल किया असं कई बार दसा उन्होंने पहला भी दसते रहे हैं कि महाराज देखो बस हो जाएगा कोई ऐसी गल नहीं हो जाएगा ला रही है तुम फिक्र ना करो हो जाएगा ये थोड़ी सड़क बन जाएगी ये तो अज आए ना तुम 6 महीने बाद आ फिर देख लो तुम इतनी हाल मिले ठीक हुई सड़क ठीक है सड़क है जी इस टाइम देख रहे हो तुम हाले ठीक है इस तो भी बहुत बुरा दुकानदार कह रहे कि जी सड़क है हजे सड़क ठीक है तस्वीर तो खा लुधियाना स्मार्ट सिटी दी दुकानदार कह रहे कि जी सड़क है फिलहाल वास्तव ठीक है क्योंकि यह सड़क जोड़ा सगा इस तो भी जो बुरा हाल से पर इन वास्ते यह सड़क जी वधिया कह रहे सड़क सर वधिया है कौन कह रहे वधिया जी महाराज इन इतने इन्होंने टोए हुए ठहर जो मीह आ गया इन्होंने पानी होना दुकाना बंद करके चले जाते हैं इस हिसाब क्या काम कर अभी फ्रूट की रेहड़ियाँ लगाते सड़क की बात करते स्मार्ट सिटी कहते लुधियाना स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया कितनी परेशानी का सामना करता है ग्राहक आता फल खरीदने भाजी इतनी मिट्टियाँ उड़ती हैं कि अपने सारा जो है ऐसा लगता है कि मजदूरी करके आ रहे हैं मकानों को की राट आई के जो है क्या किया जाए मगर अब गवर्नमेंट है भाई वो जो चाहे वो कर सकती है आप कह सकते है कि नहीं बाकी परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है भाजी भाई नान छोले नहीं रेडी है मेरी ठीक है ना कोई ग्राहक नहीं आता सिर्फ मिट्टी करके मिट्टी कट्टा पैंता तो कहना की करना एक ये लोगों ने मिट्टी खवाने आत्मनगर हल्के मैं तो सरकार अगे तो प्रशासन अगे बेनती करता भी इनू ना
आतम नगर हलका तो हटा के रेगिस्तान घोषित किया जाए तो जो जो इतने रोड है बंदा ऊंट से जाता तो गड्डी से जाता एक बराबर ही है। असं गड्डिया कारा वेच के ऊंट हाँठ लै लीए घोड़े घोड़े लै लीए सू इन चीज़ों की लड़ नहीं। गड्डिया की रिपेयर बहुत होंगी है। तुम इतों शुरू हो जाओ अगे तक देखो रोड सारी पट्टी हुई है, बुरा हाल है। रोज़ कोई ना कोई ट्रक धसया हों, रोज़ कोई ना कोई ट्राली धसी होंगी है। जाम पिछे एडा एडा लग जाता जिस साढ़े हज़ारा लखा करोड़ा रुपये का साढ़ा जो डीजल आ तेल आ फूकया जाता। मतलब इधर के हल्के जिन्हें भी विधायक आए हैं उन्होंने अज तक कुछ भी नहीं सोचा इस बारे। जिहड़ा रुपया आता सानू नहीं पता वो कित्थे जाता कित्थे नहीं जाता। वो सरकार वालों तो रुपया आता ही आता वा हर MLA पर रुपये की कोई गिनती मिनती है नहीं। जब कोई काम ही नहीं हो रुपया लगता कितने आ, ये सारा इन्हों की जेबा चाहता। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तुम दुगरी रोड देख लो, गेल रोड देखो, सारा पट्टिया पाया वा। लोगों के व्यूज़ लगे दो, दुकाना के कारोबार बंद हो चुके, उन्होंने बुरा हाल होया पाया वा। तुम दुगरी रोड जी हमने थाने के नाल रोड बन गई, उन्होंने 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने जी दुकान के अंदर गाहक नहीं गया होगा वह की हाल होगा। वो गोडे गोडे करजाई हो जाओ, दुकाना तकरीबन 4-5 तो मेरे हिसाब से उसे बंद ही हो चुकिया ने, उन्होंने खोलिया ही नहीं गया। ये वादे हमेशा जो 4.5 साल बीते बीत जाते ना, उस तो बाद जो 3 महीनों के उदो वादे करके जो हम इलैक्शन दौर आ जाता उस तो खत्म हो जाता, उस बाद सारे भुल जाते। कोई वादा कोई वादा नहीं, इन्होंने मिलते ही नहीं कितने, ना फोन चुकते हैं ना मिलते हैं, कोई इन्हों का मतलब नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही दस के हटिया भी जाम इन्ना तकड़ा लग जाता ना, इन्ना तकड़ा जाम लग जाता भी पिछे घट्टो घट नहीं 100-150 बड़ी गड्डी की कतार लग जाती है। ये साढ़े देश का एक तो पोल्यूशन तो फैलना ही फैलना वा, नाल साढ़े देश का जो रुपया वा इन्ना वेस्ट होंगे जो तेल के उत्ते असी गड्डिया मगर लाइना च खड़े रहने, बहुत ज़्यादा तेल फूकया जाता, बहुत बुरा हाल है जाम का। इतों असी दुगरी, मेरा अपना घर दुगरी के मैं इतों जाते जाते घट्टो घट 1.25 घंटा लग जाता घर जाते जाते। प्रशासन तो सरकार नाकाम ने, मैं तो कहना हूँ सेंटर सरकार को सारा कुछ अपने हाथ ही लै लेना चाहिए। इतने का पंजाब का बुरा हाल होया वा, पंजाब का पंजाब कितने ये सोने की चिड़िया गिनी जाती सी और पहला 1st नंबर से सी, अज 23वें नंबर से पंजाब पहुँच गया। सिर्फ इन दी गलत नीतियां करके गलत प्लान करके सारा कुछ गलत हो गया। माहौल खराब है जी, हाँ ब्रेक टुटी है, ब्रेक कदे लाओ कदे खो कदे कदे ट्रैफिक सारे नुकसान जी, मेहनत तो टुटी रही है जी। अभी आई कदे कदे आ साडा उधर जी रोड दा एरिया जी, एहन दी टुटी है दिक्कत सारे पता जी, लोरा सारे पैंदा ट्रैफिक फुला अरे सद भी नहीं चलती, 10 किलोमीटर चलती है गड़ी। सड़कों का बहुत बुरा हाल से, दुकानदार का कहना सगा कि सवेरे वो तैयार शहर हो गए जाते, जो घर जाते हैं तो जो बच्चे है उन्होंने वो पहचानते नहीं क्योंकि धूल मिट्टी इन्नी ज़्यादा होंगी है। फलों वाले भी सके, रेहड़ियों वाले भी सके, तो नान छोलों वाले भी सके। उन्होंने कहना सगा कि धूल मिट्टी इतने इन्नी ज़्यादा है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। प्रशासन की गल करिए या उम्मीदवारों की गल करिए, जो पिछले विधायक रहे उन्होंने जरा वा उन्होंने कदम भी जी सार नहीं लीती। कैमरामैन मनीष कुमार परेश शर्मा द समर न्यूज़ लुधियाना।